साउथ से बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियां आईं, उनमें से एक नाम गौतमी का भी है। 90 के दशक में उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। गौतमी ने बॉलीवुड में अपने कदम साल 1992 में आई फिल्म चोरी चोरी प्यार हुआ से रखे। प्रोफेशनल लाइफ के अलावा गौतमी का निजी जीवन भी खूब चर्चा में रहा। एक वक्त था जब उनका नाम साउथ के सुपरस्टार कमल हसन से जुड़ा। इतना ही नहीं, उन पर उनका घर तोड़ने का आरोप तक लगा। गौतमी ने अपने जीवन में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी तक से जंग लड़ी। गौतमी का जन्म 2 जुलाई 1968 श्री कालू में हुआ था। गौतमी का पूरा नाम गौतमी टडीमल्ला है। उनके पिता एक एक्नोलॉजिस्ट और उनकी माँ एक पैथोलॉजिस्ट है। गौतमी ने बिशप कॉटन गर्ल्स स्कूल बैंगलोर में अपनी पढ़ाई की। गौतमी ने गीतम यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की। साउथ सिनेमा में वो एक जाना माना नाम है। 80 के दशक में उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ फिल्मों में काम किया। इतना ही नहीं, वो टेलीविजन होस्ट बनकर भी नजर आए। 1987 से लेकर 1998 तक वो फिल्मों में टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार थी। बॉलीवुड में गौतमी ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी फिल्म आदमी में काम किया था। उनकी हिंदी फिल्मों में नकाब, आदमी, जनता की अदालत, तीसरा कौन, वीर, त्रिमूर्ति, गॉड एंड गन, डाल, प्यार हुआ, चोरी चोरी जैसी फिल्में शामिल हैं। गौतमी अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रही। कमल हासन के साथ अपने लव इन रिलेशनशिप को लेकर उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। इतना ही नहीं, कमल की जिंदगी में वो दूसरी औरत बनकर आई। साथ के सुपरस्टार एक्ट्रेस गौतमी के कमल हासन से नजदीकियों के कारण सारिका ने उन्हें तलाक दे दिया। कमल की बीवी सारिका ने मीडिया में यही कहा था कि गौतमी की वजह से उन्हें अपने पति से तलाक लेना पड़ा था। गौतमी पहले शादीशुदा थी और उनकी एक बेटी भी है। गौतमी ने 1998 में संदीप भाटिया से शादी की थी। उनकी शादी एक साल से ज्यादा नहीं चली। गौतमी की 2003 में कमल हासन से नजदीकियां बढ़ी। कमल और गौतमी साथ में लिव इन में रहे। दोनों का रिश्ता 13 सालों तक चला। उस दौरान कमल हासन के साथ उनकी बेटियां अक्षरा और श्रुति भी रहा करती थी। साथ ही गौतमी की बेटी भी उनके साथ रही। गौतमी और कमल कई सालों तक कपल रहे। अक्सर दोनों पार्टियों में साथ नजर आया करते थे, लेकिन गौतमी ने भी कमल से ब्रेकअप कर लिया। गौतमी ने कमल हासन से अलग होने की पुष्टि अपने ब्लॉग पर की थी। साल 2016 में उन्होंने लिखा था कि दोनों के रास्ते ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां पर साथ नहीं चला जा सकता। गौतमी के मुताबिक उन्होंने चीजों से तालमेल बिठाए रखने के लिए कोशिशें की, लेकिन ये सफल नहीं हो सकी। बहरहाल अब वो लाइफ अगेन फाउंडेशन की फाउंडर हैं। इस फाउंडेशन के जरिए वो कैंसर से पीड़ित मरीजों की मदद करती हैं। गौतमी खुद भी कैंसर जैसी बीमारी से लड़ चुकी हैं। जब वो 35 साल की थी तब उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। हालांकि उन्होंने इस बीमारी को मात दी और बिल्कुल ठीक हो गई। गौतमी इन दिनों फिल्मों से दूर राजनीति में भी सक्रिय हैं। गौतमी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।